जय हरियाणा टीवी चैनल में स्वागत करता हूं मैं करमवीर सार सर। और बेटियों का जो जहां पे नाम रोशन हो रहा है आज, तो घर से बाहर बेटियां जो निकलने के लिए माँ बाप जो डरते हैं, तो हमारे ऐसे कोच हैं जिनके बदौलत बेटियां अपना गोल्ड मेडलिस्ट लेके और सिल्वर लेके जैसे मेडलिस्ट लेके आती हैं, तो उनको सबसे पहले मैं कोच साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि जो बेटियाँ आज आगे दौर में बढ़ रही हैं, तो उनका कोचों का एक अहम हाथ होता है माँ बाप के साथ साथ, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरी तो यही राय है, मैंने देखा है हमारे गांव में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, लेकिन मैं ये हमारी अंदर की सभी भावना ये कह रही है कि इनको आगे निकालने चाहते हैं हम, लेकिन हमारा किसी का कोई साथ नहीं मिल रहा। कोई बच्चे आना चाहता है ना, उसके भी लोगों के लिए बहुत ऐसी वैसी राय है। ठीक है, मैं इनको मिटाना चाहता हूँ। मैं बहुत, मेरा ये सपना है ये लड़की आगे जाए और बहुत ज़्यादा नाम रोशन करे और उनका मुंह बंद कर दे। ठीक है, उनका मुंह बंद कर दे, अर्जुन अवार्ड लाए। किसी का मुंह बंद करने की कोई बात नहीं, अपना आप हो जाएगा मुंह। जी, बच्चे आगे बढ़े। बढ़िया, सबसे पहले हम जय हरियाणा टीवी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत एकदम। तो आप एक जो आपको प्रॉब मिला है आपकी तरफ से, जो आपकी मेहनत का जो फल है, तो एक आप उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे बिटिया? बोलो बेटा, शर्माने की बात नहीं। बेटा बोले, कब से कितने साल से खेल रहे हो? 3 साल से। अच्छा, इस दौरान में आपको कितनी कठिनाई आई खेल में? बहुत कठिनाई आई थी। अच्छा, क्या कठिनाई आई? कुछ घर वालों का साथ कितना रहा आपका? घर वालों का साथ तो पूरा रहा। अच्छा, आगे अभी क्या आपकी इच्छा है? आगे मैं और खेलना चाहती हूँ। अच्छा, और आपको गोल्ड मेडल मिले? हाँ, तो महेंद्र जी आपका मैं बार बार स्वागत करूंगा बच्चे की तरफ से भी। तो इस जो आज इतना बड़ा दिन है, तो इस विषय पे क्या बोलना चाहिए? इस विषय में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की बेटियां और ऐसे जीत कर आगे बढ़ती रहें, उनके लिए कोई भी सहयोग किसी प्रकार का भी आधी रात को भी मेरी तरफ से होगा, मैं उसको जोर से करूंगा और बेटियों के साथ हूँ। तो एक मेरे को खुशी होती है क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ। एक उन माँ बाप के लिए भी आप, और वो बेटी कहीं की भी बेटी हो हमारे यहाँ। महेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे उन माँ बाप के लिए भी दो शब्द बोलिएगा जो बेटियों को घर से बाहर जाने से भी रोकते हैं। जी, वो माँ बाप, सही बात है आपकी, लेकिन ये सोच की फर्क है। अगर इस सोच को आप किसी बड़े भी ले लो, तो ये माँ बाप, कुछ माँ बाप तो नहीं बाहर नहीं जाने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ माँ बाप डर है इसका, ऊपर वाले का, और सब हम सारा भाईचारा सही है। किसी की कुछ सोच हो जाती है, किसी की कुछ सोचें अलग अलग हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो बच्चों के लिए संदेश क्या देना चाहोगे आप? बच्चों के लिए यही संदेश दूंगा, अक मैं बच्चों को जहाँ भी खेल में, जैसे कि ये बिटिया है, ऐसे आगे बढ़ें, मेरी कहीं भी किसी प्रकार की ज़रूरत होगी मैं उनकी पूरी करूँगा। आगे बढ़ते रहें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करती रहें, यही है, ताकि उनके माँ बाप का भी नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। नाना जी, इतनी बड़ी उपलब्धि है बच्चे की, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत खुशी मान रहा हूँ जी। गरीब बच्ची है, मैं ये सहयोग देना चाहता हूँ, मेरी दोस्ती आगे जीते। बहुत ही बात इनकी अच्छी। देखो, इनके पापा जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा, अंकल जी आप कितने खुश हो अभी? बहुत खुशी है जी। अच्छा, मुझे मेरी बेटी मेडल ले ही है। इतनी भीड़ लगी हुई आपकी बिटिया के लिए, देखने के लिए लोग आए, बहुत खुशी की बात। अच्छा, है जी। आगे आप बिटिया को आगे बढ़ाते रहने के लिए दूसरे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? दूसरे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप का बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में कामयाब हो। बहुत ही खुशी की बात। आंटी जी कितने खुश नजर आ रहे हो आप, कितनी भीड़ को देख के। आप आपकी बच्ची ने बहुत बड़ा कारनामा आज करके दिखाया देश को, बहुत खुश हूं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? जो दूसरी मम्मी है वो बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती है, तो एक आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्या संदेश? भाई वे भी आपकी बच्चियां ने खिलाने का लो। अच्छा, कामयाब होंगी वे, छोरी भी बाहर का लो उन्हें भी। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ की बिटिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है, तो उनको यहाँ की जो लोकल छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। तो खासकर छोटे बिटिया से बात करेंगे।
बातचीत करना चाहूँगा। बिटिया, ये जो आपके गांव के अंदर बिटिया अभी कुछ मेडलिस्ट लेके आई है, तो उससे आपको क्या लगता है कि आप एक ये हम चीनियर हम इनसे खुद सीख कर आगे बढ़ना जरूर चाहेंगे। क्या लगता है बेटा आपको? ये हम चीनियर हम इनसे आगे बढ़ना चाहेंगे सीख कर। तो आपको अच्छा लगता है कि देखो कितने पब्लिक इकट्ठी हुई है इधर? अच्छा, मीनाक्षी गुड़िया के नाम से कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा। तो यहाँ के जो जनमान्य लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, बहुत सारे मेरे अजीज मित्र हैं तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, बात करेंगे इनसे। इधर की जो बिटिया एक अच्छा काम किया है, देश का रोशन नाम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के ऊपर? खुशी का माहौल गाँव के अंदर? हाँ जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, खुशी का माहौल है। अच्छा, हमारे गांव के लड़के आगे बढ़ रही है, उनको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती आजकल। तो वो भी किसान की लड़की है, आजकल के ज़माने में तो बहुत बड़ी बात है, तो एक किसान की लड़की आगे बढ़ रही है, उनको घर वाले उनको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, इसी के लिए बस। तो बातचीत हम सिलसिला करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। अच्छा अच्छा, कौन से गांव से आप? कुड़ल से। कुड़ल से हो, तो बेटी कहीं की भी हो, क्या लगता है आपको, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और बढ़िया है, लड़के आगे बढ़े अपने गाँव के माहौल में, थोड़ा ज़्यादा ये ज़रूरी है ये सब होना, और आगे बढ़ना चाहिए, बढ़िया है। एक मिनट भाई साहब, आप इधर आइएगा। इधर की जो बेटियां है, कितना अच्छा काम किया है, तो आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? हमें बहुत ही गर्व की बात है, आगे बेटियां ऐसे ही बढ़ती रहें और भगवान इनकी जो हौसला अफजाई करे। अच्छा अच्छा, और आगे से आगे दिन रात दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। अच्छा अच्छा, चलो उधर कुछ लेडीजें खड़ी हैं, तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, कुछ लेडीज हैं तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि वो अपनी बिटिया को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, बातचीत करना चाहूँगा। ये जो आज आपके गांव की बिटिया ने जो बहुत बड़ा काम किया है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है? आज हमारे गांव की लड़की ने हमारा बहुत ही नाम रोशन किया है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ की जनता इतनी खुश है, क्या कहेंगे इस खुशी पे? बहुत खुशी है हमें इस लड़की के लिए, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। भाई साहब, कितना खुशी का माहौल है इधर गांव के अंदर, छोटे बच्चे हैं? इस गांव में बहुत खुशी का माहौल है, जो मीनाक्षी हमारे गांव का नाम रोशन किया और जिले का नाम भी और तहसील का नाम भी रोशन किया है, इसलिए हम इसको आशीर्वाद देना चाहते हैं, और हमारा सारा गांव है ये आशीर्वाद देने के लिए इस बेटे को तैयार है, और आगे भी हमारी बेटी कामयाब हो। तो कुछ अजीज मित्र मेरे युवा साथी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आप युवा हो? हाँ भाई। तो जो आज दिन प्रतिदिन बेटियां जो आगे निकल रही हैं, हाँ भाई, तो आपको क्या लगता है भाई? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई, हमारे क्षेत्र की लड़की आगे जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई, क्या बोलना चाहेंगे? बेटी बेटी देश का गर्व है, और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है। उसमें आप एक युवा हो, आप युवा होने के नाते युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत अच्छा किया है इसने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, आगे और बढ़िया ही करें। अच्छा अच्छा, आगे बढ़िया दिन रात उगनी करें। राजा, तो बातचीत में कुछ लोग मेरे साथी इधर बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है अभी, जो इस गांव के अंदर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, एक छोटी सी बच्ची मीनाक्षी के नाम पे कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्या लगता है आपको, कितना खुशी का माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, खेल के आई, बहुत ही गर्व की बात है, आगे बढ़ो और अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलो, बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, बहुत ही खुशी की बात। चलिए अच्छी बात, तो इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, कुछ बातचीत करना चाहूँगा उनसे भी मैं इधर लोग। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना गांव के लोग खुशी का माहौल लग रहा है? सीना चौड़ा हो गया भाई हमारा। अच्छा, अच्छा, तो गर्व से बहुत चौड़ा। अच्छा, अच्छा। और हम तो कहा हर घर की बेटी, अरे ऐसे ही बन के दिखाओ कुछ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत हौसला आया भाई यार, तो सुन के छोटा सा गांव में इतनी खुशी हुई है कि हम बता नहीं सके। अच्छा, अच्छा। बहुत खुशी हुई है कि पूछो मत। तो जो माता पिता है अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उन माता पिता उनकी सोच घटिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो उनके लिए दो शब्द बोल दो, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहा कि हर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करो, जो अगले की इच्छा हो वो करण देना चाहिए, चाहे उसकी खेल कूद में हो, नाच गाने में हो, या गान बजाने में हो, जो अपनी रुचि हो वो बिल्कुल करना चाहिए भाई, हमारी तो यही इच्छा है।
बहुत खुशी है मेरे से। चलिए बहुत, तो जो बिटिया के नाम से इतना जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है, बहुत ही खुशी का माहौल लग रहा है। उस खुशी को जाहिर करते लोग, तो इधर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ साथी लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये जो बेटियों बेटों से कम नहीं है, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ के जनता को देखे। तो क्या लगता है भैया आपको, इधर जो इतनी पब्लिक इकट्ठी, खुशी का माहौल चल रहा है? हाँ बिल्कुल खुशी का माहौल है। हमारी बेटी ये जीत के आई है, गोल्ड मेडलिस्ट ले के आई है, गोल्ड नहीं सेकंड पोजीशन है। बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है हमें। अच्छा लग रहा है कि गांव का नाम रोशन हुआ है, पूरा अपने एरिए का नाम रोशन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी जो युवा साथी हैं, हाँ वो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। किसी जिसका घर मतलब बजट कम होता, किसी का ज़्यादा वो फर्क नहीं करता। मेहनत करो अपनी और आगे जाओ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए तो कुछ इधर भी खड़े हैं दोस्त, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आप इधर गांव में खुशी का बहुत माहौल है, कितना अच्छा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे ये क्षेत्र की लड़की गोल्ड मेडल ले आई है, इससे बहुत अच्छा प्रभाव है जी। बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी। गाँव की नगरी देखो, सारे जितने भाई आए हैं, और महेंद्र सिंह ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। महेंद्र सिंह ने भी अच्छा सहयोग रहा। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो अंकल जी, मैं अंकल जी से भी बात करना चाहूँगा इधर। हाँ जी अंकल जी, इधर इतना खुशी का माहौल है आज, तो एक बिटिया के लिए अच्छा अच्छा क्या कहना चाहेंगे बिटिया खुशी के लिए? बोलो बोलो। खूब बढ़िया है, बहुत खुशी है। अच्छा अच्छा। सब बच्चे जाए तो युवा हो आप, बहुत खुशी है भैया। ऐसा बड़ा रोज पढ़ो, रोज रेस मारो, बढ़िया खुशी होगा। बहुत ही अच्छा। बात बात बैठे ड्राइवर नहीं देखा, किस तरह ने फंदी जा है।